प्रदेश भर से आए पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने जनरल प्रमोशन की मांग करते हुए मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव किया। छात्रों का कहना है कि 3 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, लेकिन अब तक फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा नहीं हुई है। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। विरोध प्रदर्शन के चलते देर तक बवाल मचा रहा। मध्य प्रदेश के सभी जिलों से आए पैरामेडिकल छात्र छात्राओं ने मेडिकल विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की। छात्र छात्राओं ने बताया कि वर्ष 2018 से वे अध्ययनरत हैं, लेकिन पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा एक भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हजारों छात्र छात्राएं परेशान हैं। उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में प्रदेश भर से छात्र एकत्रित हुए हैं पैरामेडिकल के, चूँकि ये वह छात्र हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में दाखिला 3 साल पूर्व लिया है, लेकिन आज दिनांक तक इनके फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया, जिसे लेकर आज ये विरोध कर रहे हैं और जिसे लेकर ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री से लेकर यूनिवर्सिटी के हर एक जिम्मेदार अधिकारियों के पास तक गए, लेकिन विडंबना यह है कि इनकी किसी ने सुनी नहीं। ये आज भी हमारी प्रदेश सरकार के मंत्री और ये पूरा यूनिवर्सिटी प्रशासन गहरी नींद पर सो रहा है। और ये बात मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो इस देश में जो सबसे ताकतवर है तो वो ये युवा है या तो छात्र है, और इत्तेफाकन यहाँ पर छात्र भी हैं हम लोग और युवा भी हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चित काल तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग CM हाउस तक गए हैं, वहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोग को उठवा लिया जाता है। CM हाउस पहुँचने से पहले ही उठवा लिया जाता है और थाने में बैठा लिया जाता है, और MPMSU बोलता है कि हमारे हाथ में नहीं है और ये आप पैरामेडिकल काउंसिल से लिखवा कर लाइए। पैरामेडिकल काउंसिल मना करते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, फिर हम लोग कहाँ जाएं? इसलिए अगर आप लोग मान लीजिए प्रस्ताव नहीं माना जाता है तो क्या करेंगे सर? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और बैठे रहेंगे। 7 जनवरी से हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं, उन्होंने डेट दी है। इतने आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन फैला हुआ है और ये सुपर स्प्रेडर है, ओके। एंड अभी अगर एग्जाम रखे जाते हैं, कंडक्ट होते हैं, तो इससे कितने सारे लोगों को नुकसान होगा और ये कोविड में ही एग्जाम क्यों ले रहे हैं हमारे? छात्र छात्राओं की तरफ से इस मामले को कोर्ट के सामने भी रखा गया है। अधिवक्ता बता रहे हैं कि कोर्ट द्वारा भी विश्वविद्यालय से जवाब मांगे गए हैं। न्यायालय ने आज यूनिवर्सिटी जवाब मांगा है कि आपने जब 3 सब्जेक्ट के बच्चों को अलाउ किया है तो 4 सब्जेक्ट के बच्चों को और बाकी बच्चों को और क्यों नाम प्रमोशन कर दें, क्यों ना प्रमोशन का ऑर्डर कर दूँ? तो ये मैटर कल फिर से लगा हुआ है, स्पेशली तौर पर लगाया गया अर्जेंसी को देखते हुए। कल इसमें कोई ना कोई इसमें आदेश होने की संभावना है। विरोध प्रदर्शन के चलते विश्वविद्यालय परिसर में देर तक हंगामा मचा रहा।